नमस्कार। तो आज फ्राइडे है, हफ्ता खत्म होने वाला है और पूरे हफ्ते दो ही विषय पर सबका ध्यान आकर्षित रहा है, कोरोना वायरस और चीन के साथ क्या हो रहा है। तो कोरोना वायरस को अगर आप लें तो एक बात तो अब स्पष्ट है कि भारत में केसेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं। कल 18,000 के करीब केसेस हुए थे और लग रहा है कि एक हफ्ते 10 दिन के अंदर भारत तीसरे स्थान पर होगा। अमेरिका और ब्राजील के बाद शायद भारत का ही स्थान होगा। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो लग रहा है कि 5 लाख केसेस अब भारत में हो जाएंगे, शायद कल या परसों तक 5 लाख केसेस होंगे भारत में कोरोना वायरस के। हाँ, कह सकते हैं कि एक्टिव केसेस भी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं और मृत्यु का दर अभी भी उतना नहीं है, पर जो टोटल केसेस हैं वो तो बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए, अब चीन की अगर बात करें तो एक बात तो स्पष्ट है, भारत अभी भी काफी कोशिश कर रहा है कि रीइंफोर्समेंट भेजे जाएं। एक्सरसाइजेस चल रही हैं, कई विमान और ट्रूप्स और उन सबको भेजा जा रहा है लद्दाख के इलाकों में कि किसी तरह से कोई हमला नहीं हो सके, भारत अपनी धरती को सुरक्षित रख पाए। पर एक चीज जरूर कहनी पड़ेगी कि क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट बयान नहीं आ रहे हैं कि क्या हो रहा है गालवान घाटी में, क्या हो रहा है पांगसोंगसो में, हॉट स्प्रिंग में, पूरे इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या हो रहा है। तो उसके वजह से क्या होने लगता है कि इस किस्म के सैटेलाइट पिक्चर्स जो आप पूरी तरह से फ्रीली अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर इनको देख सकते हैं, टीवी चैनल्स पर तो देख ही सकते हैं, ट्विटर पर हर जगह इन किस्म की तस्वीरें हैं। तो लोग फिर अपने ही अंदाज से इसको समझने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, पॉइंट 14 पर क्या है, वो जो आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, वो गुलाबी रंग के जो ढांचे हैं वो क्या हैं, वो क्या चीनी ढांचे हैं, भारतीय ढांचे हैं, क्या हो रहा है जमीन पर। तो इससे हो सकता है कि कभी कभी अफवाहें फैलने लगे। तो सरकार को अगर हमें कोई मशवरा देना है तो यही मशवरा देना है कि आप जरूर ब्रीफिंग्स करते जाएं, हर दिन, हर एक दो दिन आप लोगों को बताएं कि स्थिति पर ये हो रहा है, ताकि फिर अफवाहें नहीं फैल सकें और जो भी सही स्थिति है वो सामने आ सके। और उसी वजह से शायद आज ऑपोजिशन पार्टीज ने भी सरकार पर कुछ हमला किया और कहा कि सरकार को हमें बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, जो भारत के सैनिक शहीद हुए हैं किस वजह से शहीद हुए थे और आखिरकार इस पूरे इलाके में असली स्थिति क्या है वो आप हमें जरूर बताएं। तो ये सब चर्चा की बातें हैं और पूरे हफ्ते जैसे मैंने कहा हम कोरोना वायरस और चीन पर ही चर्चा करते जा रहे हैं। तो आज क्या मुख्य खबरें हैं, चलिए देखते हैं इन सुर्खियों। कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान प्रदेश में सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का फैसला सर्वदलीय बैठक में लिया गया। हालांकि इस विषय पर नेताओं का मत अलग अलग था, लेकिन अंत में सभी लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाने पर सहमत दिखे। पश्चिम बंगाल में फिलहाल जारी लॉकडाउन 30 जून को खत्म हो रहा था। राज्य सरकार के मुताबिक लॉकडाउन की बढ़ाई गई अवधि के दौरान राज्य में लोकल ट्रेनें और मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को भी बंद रखा जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए असम सरकार ने गुवाहाटी में लॉकडाउन को अगले 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। ये 2 हफ्ते आने वाले सोमवार यानी 29 जून से शुरू होंगे। राज्य के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के मुताबिक इस दौरान केवल दवाई की दुकानें खुली रहेंगी और बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपनी मौजूदा ज़रूरत का सामान इतवार तक खरीद लें। आपको बता दें कि 6300 से अधिक कोरोना मरीजों के साथ असम पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में कोरोना की तेजी को देखते हुए सरकार ने सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। शुक्रवार को जारी एक आदेश के अनुसार कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा सेवा पर प्रतिबंध 15 जुलाई तक लागू रहेगा। हालांकि ये बैन कार्गो ऑपरेशंस और वंदे भारत मिशन की स्पेशल फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा और वो पहले की तरह चलते रहेंगे। कोरोना महामारी के मद्देनजर देश में 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। तब रेल और विमान सहित सभी प्रकार के परिवहन पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि 31 मई के बाद से घरेलू उड़ानें चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 2 की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अनुमान है कि 30 जून को अनलॉक 2 को लेकर गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं। केंद्र सरकार के कुछ अधिकारियों ने न्यूज चैनल CNN News 18 को बताया इस बार अनलॉक 2 के दौरान सरकार का फोकस इंटरनेशनल फ्लाइट्स, स्कूलों और मेट्रो को चालू करने पर रहेगा। हालांकि शहरों में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मेट्रो को चालू करने में देरी हो सकती है। वहीं सरकार फिलहाल स्कूल कॉलेज खोलने में भी संकोच कर रही है। इसके अलावा अनलॉक 2 में मजदूरों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाली कुछ अन्य योजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है। केंद्र सरकार ने यूपी, बिहार, बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों से कहा है कि वो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में केंद्र को बताएं। हर गुजरते दिन के साथ देश में कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। शुक्रवार को आए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 17,296 नए केस आए, जबकि 407 लोगों की मौत हो गई। किसी एक दिन में नए मरीजों के मामले में आंकड़ा सबसे अधिक है। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 4,90,401 हो गई है, जबकि इससे जान गंवाने वालों की संख्या 15,301 हो गई है। जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, उससे तो ये साफ है कि शनिवार को भारत में 5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज होंगे। खास बात यह है कि कुल कोरोना मरीजों के मामले में रूस दुनिया में 3रे नंबर पर है और भारत 4थे नंबर पर। लेकिन भारत में रूस से करीब दोगुनी मौतें हुई हैं। टेस्ट के मामले में पूरी दुनिया में भारत का नंबर 5वां है। देश में फिलहाल 1,89,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 2,85,000 लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। इन सब के बीच रिकवरी रेट के आंकड़ों में सुधार देखने को मिला है। यह 58.24% पर पहुंच गया। कोरोना के संकट काल में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। अब यदि कोरोना ड्यूटी के दौरान किसी पुलिस वाले की मौत होती है तो उसका परिवार सरकारी आवास में रिटायरमेंट की अवधि तक रह सकेगा। शुक्रवार को राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी घोषणा की। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि कोरोना के चलते जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों की सरकार पूरी मदद करेगी। देशमुख ने कहा कि राज्य सरकार ने यह फैसला मानवीय आधार पर लिया है। उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान राज्य में 4,326 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आए हैं और इनमें से 3,282 तो रिकवर हो गए हैं, लेकिन 54 पुलिसकर्मियों की इससे मौत हो गई है। चीन की कथनी और करनी का फर्क एक बार फिर सामने आने के बाद अब सेना LAC पर किसी प्रकार की कोई गुंजाइश छोड़ने के मूड में नहीं है। इसीलिए लद्दाख में सेना और वायुसेना ने साझा युद्धाभ्यास किया। इस अभ्यास का मकसद दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना था। इस युद्धाभ्यास में सुखोई लड़ाकू विमान और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हुए। युद्धाभ्यास के दौरान सुखोई 30 ने आसमान में सुरक्षा घेरा बनाया, जिसके बाद सेना ने मालवाहक विमान से रसद, तोपें और सिपाहियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन चलाया। 15-16 जून की रात भारत और चीन की सेना के बीच हुई खूनी झड़प के बारे में नया खुलासा हुआ है। भारत में चीन के राजदूत ने बताया है कि मई महीने में भारत के सैनिक चीन वाले हिस्से में चले गए थे और वहां हिंसा की थी। इसकी पुष्टि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी की है। अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक मई महीने में चीनी सेना ने भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। तब उस समय ग्राउंड पर मौजूद कमांडर्स ने आपस चर्चा की थी। चीनी राजदूत के मुताबिक भारतीय सेना चीन के कब्जे वाले हिस्से में निर्माण करने वाली थी, जिसे लेकर 6 मई को पहली बार दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने आई। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सवाल उठाया है कि पीएम मोदी के दावे के मुताबिक चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, तो फिर भारत के 20 जवान आखिर कैसे शहीद हो गए। सोनिया ने कहा कि देश जानना चाहता है कि हमारे 20 जवान कैसे और क्यों शहीद हुए, क्योंकि रक्षा और विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के चीनी घुसपैठ नकारने वाले दावों से हटकर बयान दिए हैं। इसके साथ ही सोनिया ने कहा कि पीएम मोदी देश को बताएं कि वे चीन द्वारा हड़प ली गई भारतीय जमीन को कब और कैसे वापस लेंगे। इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शहीद सैनिकों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एशिया में चीन की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ अमेरिका ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। वो अब अपने सैनिकों को एशिया में तैनात करने जा रहा है। इसकी शुरुआत वो जर्मनी से करेगा। जर्मनी में अमेरिका के 52,000 सैनिक तैनात हैं। इसमें 9,005 सैनिकों को वहां से निकालकर हिंद महासागर स्थित सैन्य ठिकाने डियो गार्सिया पर तैनात करेगा। इसके अलावा ताइवान भी अपने यहाँ सेना तैनाती के लिए उसे जगह दे सकता है। बता दें कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने जापान, दक्षिण कोरिया, डियो गार्सिया और फिलीपींस में पहले से ही हैं। अमेरिका ये कदम ऐसे समय उठा रहा है जब चीन ने भारत के साथ LAC पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है, तो दूसरी ओर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन और साउथ चाइना सी में भी खतरा बढ़ गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के मुताबिक अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर उन्हें इस तरह से तैनात कर रहा है कि वह जरूरत पड़ने पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला कर सके। CBSE और ICSE के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। दोनों बोर्ड 15 जुलाई से पहले 12वीं के नतीजे घोषित कर देंगे। ये दावा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में किया। हलफनामे में CBSE ने बताया कि नतीजे 3 पेपर के मूल्यांकन के आधार पर जारी होंगे और इसी आधार पर स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। इसके साथ ही यदि असेसमेंट से 12वीं का कोई छात्र संतुष्ट नहीं है तो फिर वो बाद में एग्जाम दे सकता है। यदि वो परीक्षा देने का विकल्प चुनता है तो फिर परीक्षा में हासिल किए गए नंबर ही फाइनल माने जाएंगे। CBSE ने बताया कि जिन छात्रों ने अब तक 3 से ज्यादा पेपर दिए हैं उनके 3 सर्वश्रेष्ठ पेपर का एवरेज निकाला जाएगा और ये नंबर बचे हुए पेपर में दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन छात्रों ने अब तक 3 पेपर दिए हैं उनके 2 सर्वश्रेष्ठ पेपर का एवरेज निकाला जाएगा और ये नंबर बचे हुए पेपर के लिए दिए जाएंगे। ICSE बोर्ड अपने असेसमेंट का तरीका 1 हफ्ते में सार्वजनिक करेगा। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने CBSE बोर्ड को नोटिफिकेशन जारी करने की अनुमति दे दी। बाबा रामदेव की मुश्किल बढ़ती ही दिख रही है। अब पतंजलि के साथ कोरोना की दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने वाले निम्स विश्वविद्यालय के मालिक और चेयरमैन BS तोमर भी पलट गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अपने अस्पतालों में कोरोना की दवा का कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया। तोमर बोले कि हमने तो इम्यूनिटी बूस्टर दिया था, मैं नहीं जानता कि बाबा रामदेव ने इसे कोरोना का 100% इलाज करने वाली दवा कैसे बता दिया। कमाल की बात यह है कि निम्स ने CTRI से इम्यूनिटी टेस्टिंग की इजाजत ली थी। 23 मई को ट्रायल शुरू किया गया और 23 जून को रामदेव के साथ मिलकर 1 महीने में कोरोना की दवा भी पेश कर दी गई। अब निम्स ने कहा है कि ये तो रामदेव ही बता सकते हैं कि उन्होंने कोरोना की दवा कैसे बनाई। वहीं इससे पहले उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंसिंग अफसर ने भी कहा था कि पतंजलि ने हमसे कफ और बुखार की दवा का लाइसेंस लिया था, न कि कोरोना की दवाई का। सरकार ने पतंजलि की दवाई कोरोनिल पर रोक लगा दी है और उससे टेस्ट सैंपल, लाइसेंस आदि को लेकर पूरी जानकारी मांगी है। मॉनसून के आगमन के साथ ही बिजली गिरने से होने वाली मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बिजली गिरने से बिहार में 92 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। वहीं यूपी में ये आंकड़ा 24 लोगों का है। बिहार सरकार ने मरने वालों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। ऐसे ही यूपी के CM ने भी 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है और घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।